तो गाइस वेलकम वेलकम बैक टू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एपिसोड 3। तो यार पिछले एपिसोड में मैंने विलेज ढूंढा था और उस पर रेड भी करवाई थी और वो रेड जीती भी थी। तो अगर आपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो भाई इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन लिंक में होगा, वो जाके जरूर देख लेना। तो यार अभी तक मैंने इस विलेज पे रेड करवा दी थी, पर अभी तक मैंने ये विलेज लूटा ही नहीं था। फिर मैं जल्दी से एक हो बनाता हूँ जिससे मैं यहाँ के सारे हेबेल्स ले लेता हूँ। फिर मैं एक विलेजर के घर पे आता हूँ और वहाँ से मेरे को एक और सैडल मिलती है। मतलब इस वर्ल्ड में मेरे को बहुत सारी सैडल मिली गई थी। और फिर मैं एक और घर में आता हूँ, वहाँ पर मेरे लिए थोड़े एप्पल्स होते हैं और एक बुक भी होती है। फिर मैं इस विलेज के अंदर ब्लैक स्मिथ के घर में आता हूँ और भाई इस घर के अंदर बहुत ही अच्छा सामान मिलता है। तो भाई इस घर के अंदर मेरे को एप्पल्स मिलते हैं, सैडल मिलता है, एक हॉर्स का आयरन आर्मर मिलता है जो मेरे को चाहिए था। और मेरे रात को ना सोने की वजह से भाई एक विलेजर ज़ॉम्बी विलेजर बन गया था। तो अभी तो मैं इनको क्योर भी नहीं कर सकता था, तो फिर मैं जल्दी से इनको ब्लॉक कर देता हूँ ताकि ये बाहर ना जाए और मरे ना, क्योंकि भाई ये हमें बहुत काम आने वाले हैं। तो अब बनाना था मुझे घर, और मुझे घर बनाने के लिए कंक्रीट चाहिए था क्योंकि मैं अपना घर कंक्रीट से बनाने वाला हूँ, वाइट कंक्रीट से। तो मैं जल्दी से उसकी रेसिपी देखता हूँ। मेरे को सैंड और ग्रेवल चाहिए था उसके लिए, तो मैं जल्दी से जाता हूँ ग्रेवल लेने। और भाई मेरे घर के पास ही एक तालाब के पास मेरे को बहुत सारा ग्रेवल मिल जाता है। फिलहाल तो मैं वहाँ से एक स्टैक उठाता हूँ और उसी तालाब के पीछे मिल जाता है मेरे को बहुत सारा सैंड जो मुझे चाहिए था। तो मैं जल्दी से वहाँ से सारा सैंड उठाता हूँ। और कंक्रीट के लिए तो सारा सामान हो ही गया था, बट अब मेरे को चाहिए थे वाइट डाई, और वाइट डाई मिलेगी बोन से और बोन मिलेगा स्केलेटन से। तो फिर भाई मेरे को रात को जगना पड़ता है स्केलेटन के लिए। मैं स्केलेटन को ढूंढता हूँ और उनको मार के मुझे बोन्स मिलते हैं। भाई मैं स्केलेटन ढूंढ रहा होता हूँ और एक बंदा भाई डायमंड का हेलमेट पहन के अपने बच्चे को सर पे बिठा के मेरे विलेजर मार रहा है। मतलब ये चीज़ मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। और भाई मैंने बहुत सारे स्केलेटन तो मार दिए थे और भाई मेरे पास 13 बोन्स भी हो गए थे। और सुबह भी होने वाली थी, तो मैं जल्दी से चलता हूँ अपने घर पर और बना लेता हूँ बहुत सारा कंक्रीट पाउडर। और फिर यार मेरे को घर बनाने के लिए थोड़ा ओक का वुड भी चाहिए था, तो मैं जल्दी से जाता हूँ वुड को तोड़ने। तो अब मैं अपना घर यहाँ पे बनाने वाला था, तो सबसे पहले मैं लैंड को क्लियर करता हूँ जहाँ पे मैं अपना घर बनाऊँगा और फिर शुरू करता हूँ अपना घर बनाना कंक्रीट पाउडर को लगा कर।
फाइनली बन चुका है हमारा मॉडर्न हाउस, और अभी मेरे को सामान शिफ्ट करना है उसके अंदर अपने टेम्परेरी हाउस से। जो भी मेरा सारा चेस्ट के अंदर सामान है वो सारे को यहाँ पे शिफ्ट भी करना है। और ये है अपना डॉगी जो हमें पिछले एपिसोड में मिला था, और देखो यार कितनी बड़ी डबल चेस्ट है, तो इस सामान को भी वहाँ पे जल्दी से शिफ्ट करते हैं। तो उस सामान को यहाँ लाने से पहले जल्दी से मैं यहाँ पे लगा देता हूँ काफ़ी सारी डबल चेस्ट, ताकि यार सामान रखेंगे भी तो यहाँ पर। और यार मेरे को कमेंट्स में बताओ ये फर्नेस का एरिया कैसा लग रहा है। और मैंने अपना सारा सामान भी यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, और ऊपर मैं लगाने वाला हूँ एक एन्चेंटिंग टेबल, वो बहुत ही अच्छी जगह है, मैंने खास उसके लिए ही बनाई है। और मुझे कमेंट्स में बताओ ये घर आपको कैसा लगा भाई। यार मेरे को तो काफ़ी पसंद आ गया, पसंद आया तो एक लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।